नमस्कार दोस्तों, MCG एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, RPF के ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं। लगातार एक्सपीरियंस की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। आज था दोस्तों 20 अगस्त, तो 20 अगस्त में आप लोगों के लिए जो है मोस्ट ऑफ मोस्ट कुछ इस प्रकार के बंदों से जो है कॉन्टैक्ट हुआ है, उन्होंने आप लोगों के लिए ऐसा जो है एक तरीके से ऐसा मोटिव तैयार किया है कि आप लोग एक ही बार में यदि देखोगे तो आप लोग क्वालिफाई होना तय है। क्योंकि बंदे इस प्रकार की गलती कर रहे हैं, छोटी से छोटी हैं गलतियाँ कर रहे हैं कि उसका कोई मतलब अंदाज़ा हम लगा नहीं सकते। मैंने इसी कारण से इस सब को शुरू किया है और आप लोगों के साथ से ये काम बहुत आगे तक चला है। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दुनिया स्वार्थी है लेकिन आप स्वार्थी ना बने। मैं आपके लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो थोड़ा आप भी मेरे को सपोर्ट करें जिससे मुझे काम करने में मन लगे। क्योंकि मैं लास्ट वीडियो से देख रहा हूँ, व्यूज़ अंडर 1000 ही रह रहे हैं, 1K भी पूरे नहीं हो रहे हैं। तो इस कारण से यदि मुझे ऐसा नहीं लगा तो मैं आई होप हो सकता है मुझे ये रोकना पड़े। क्योंकि यदि कोई काम मैं पूरा मन लगन से कर रहा हूँ, मुझे कुछ में कोई थोड़ा यदि आप लोगों का परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा तो फिर मैं क्या करूँगा। मुझे लास्ट वीडियोज़ में ऐसा देखने को मिला कि कुछ खास नहीं था, अंडर 1K ही रह गया सब कुछ। तो इसलिए मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि जब भी आप देखते हो, देखते समय ही थोड़ा 2 मिनट का समय निकाल करके जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप हैं उनमें ज़रूर ज़रूर शेयर किया करो। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी मेरा संग देना ही होगा। साथ ही साथ ये 39वां वीडियो, इससे पहले 38 वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चाहूँगा। 38 वीडियो का टाइमिंग आप लगा सकते हो, मुझे कितना टाइम देना पड़ता होगा जब मैं आप लोगों के लिए दे सकता हूँ। तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए। मैं आप लोगों के लिए जो है डबल रिचार्ज करवाना पड़ता है और सब कुछ मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, तो आप भी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए। और आप RPF के जितने भी ग्रुप हैं उनमें सभी में शेयर कीजिए। और माउथ टू माउथ जो ऐड होता है वो भी आपको करना है। मीन्स जिस दिन आपका ट्रेड टेस्ट है तो आसपास के बंदों को बताना है कि यहाँ पर आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिलेगी, उनसे बोलना है कि आप ना भी एक्सपीरियंस शेयर करना है। इस प्रकार से आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए। और ऐसा मैंने पहली बार इस वीडियो में बोला है क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता पड़ी, इस कारण से मुझे बोलना पड़ा। क्योंकि बंदे बहुत ही मतलब ही होते जा रहे हैं। मैंने देखा शुरुआत में जो व्यूज़ थे अंडर 4K 5K, तब मैं बनाने लगा था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कोई इंटरेस्ट नहीं है। यदि इंटरेस्ट नहीं है तो इसको बंद करना उचित रहेगा, और नहीं तो आप कम थोड़ा सा इतना सपोर्ट कीजिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और इन भाई का एक्सपीरियंस पूरा ध्यान लगा करके सुनना है। और आप सभी से एक और निवेदन है, फालतू की बकवास भी चैनल पर ना करें। कुछ बंदे बोलते हैं जल्दी शुरू कर वे वगैरह वगैरह, यदि आपको इतना चिंता है तो आप ही लोग इस काम को करना शुरू कर दें, क्योंकि मैं इतना नहीं सस्टेन कर सकता। ओके, यदि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा, नहीं तो आई ट्राइड जो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द मैं इसको ऑफ करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना यदि आपको इसको आगे कंटिन्यू चाहिए तो। धन्यवाद। इनका पूरा ध्यान से ज़रूर सुनिएगा क्योंकि मैं थोड़ा हताश हो चुका हूँ, इस कारण से मेरी आवाज़ भी थोड़ी दब चुकी है। ओके, नमस्कार सर, मैं MCG एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ सर। नमस्ते सर, मैं अभिषेक मेरा जयपुर राजस्थान से हूँ। तो हाँ सर, आपका जो है ट्रेड टेस्ट हो गया सर? हाँ सर, मेरा 19 तारीख को 19 अगस्त का था। हो गया ना सर? आप जो है हाँ अपना एक्सपीरियंस जो है अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहोगे हाँ बिल्कुल। बताइएगा सर। मतलब सर जिस प्रकार से किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो सर, मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा, तो उनको भी आप क्लियर करते रहना। क्योंकि जो भी हाँ बच्चों के बिल्कुल डाउट सर, होते हैं तो बिल्कुल उनको क्या मैं करूँगा। नोट कर लेता हूँ सर, तो उनको भी आप जो है सॉल्व करते रहना। तो उसके बाद आप मतलब अपना अच्छा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जिससे आपके भाइयों को भी प्रॉफिट हो। मतलब किस प्रकार से क्या हुआ था हर एक बात। आपको इसीलिए किया था कि ताकि मतलब लड़के इतने दूर से लड़के आ रहे हैं तो उनके साथ मतलब मैं चाहूंगा कि वो सक्सेस हो, मतलब उनको। हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ। तो आप अपने मन का जो भी है सब कुछ एकदम क्लियर अच्छे से एक्सप्लेन करना जिससे आपके भाइयों को कोई भी परेशानी ना हो। हाँ जैसे सर, हम तो सफल हो गए, बाकी जो भी चीज पूरी जो भी कुछ हुआ उसको पूरे तरीके से नोट करके आए थे कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो वो हाँ सारी हाँ चीजें हाँ बताऊंगा ये आपको। सब कुछ आप बताइएगा जिस प्रकार से मतलब आपके भाइयों को कोई परेशानी ना होनी चाहिए बस। हाँ तो सर जैसे सबसे पहले तो मैं वहां से एंट्री के जैसे लड़के जा रहे हैं तो उसके लिए बताऊंगा ट्रेन ट्रेन नौकर हो, हाँ बताइएगा तो सब कुछ, मतलब किस प्रकार से क्या उसमें हो। जैसे अपन जाएंगे यहाँ से कोई भी कहीं से, तो जैसे यहाँ सराय रोला हो रहा है, सराय रोला में डायवर्सिटी है, तो डायवर्सिटी के वहां पे इनका सेंटर है, तो वहां पे ये हो रहा है मतलब टेस्ट हो रहा है। तो आप जैसे वहां जंक्शन उतरो तो जंक्शन से सराय रोला के लिए गाड़ी आती है लोकल, नहीं क्या सर मतलब मेट्रो या मतलब सिटी बस? जैसे मेट्रो, मेट्रो का तो खैर मुझे कंफर्म नहीं है, पर लोग बता रहे थे कि वहां पे शास्त्री नगर है पास में, हाँ तो शास्त्री नगर से भी मतलब ज्यादा दूर नहीं है वो स्टेशन,
मेट्रो स्टेशन पास में ही है, बाकी सराय रोहिल्ला उतर जाओ सबसे बेस्ट होगी। सराय रोहिल्ला पे ही है जी, ट्रेन अपनी सराय रोहिल्ला पे रुकती है सर? हाँ नहीं, जैसे जंक्शन से आओ, जंक्शन से गाड़ी आती है, सुबह दो तीन गाड़ी आती है, हाँ सर। तो जंक्शन से आओगे तो मतलब 5-7 किलोमीटर दूर है, तो मतलब 5-10-15-20 मिनट में पहुंचा देगी, क्योंकि वहाँ गाड़ी थोड़ा स्लो स्लो रहती है। और वहाँ पे आप जैसे सेंटर पे 7 बजे तक भी पहुंच जाओगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चेकिंग वहाँ पे जो हो रही है, स्टार्टिंग एंट्री वो बहुत स्लो हो रही है, तो आराम से 7 बजे तक पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। तो वहाँ पे मतलब सराय रोहिल्ला स्टेशन है, उससे 500 मीटर से ज्यादा दूर नहीं है, मतलब पैदल जा सकते हो, किसी ऑटो वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि अगर अपन वहाँ से ऑटो की बात करेंगे तो 50-100 रुपये लेगा, 50 रुपये से कम नहीं लेगा सर। 50 से कम तो कोई लेता ही नहीं है ये आप? हाँ कोई नहीं लेगा 50 से कम, तो 500 मीटर है बस। छह नंबर प्लेटफॉर्म है। हाँ सर। जैसे छह नंबर की तरफ से निकलो आप, है ना? छह नंबर प्लेटफॉर्म की ओर से निकलना है। हाँ सराय रोहिल्ला 6 नंबर की तरफ से निकलोगे तो आप वहाँ से 500 मीटर होगा मुश्किल से सर। हाँ तो वहाँ होगा, जैसे ही फिर सुबह आ जाएंगे अपन, एंट्री होगी, एंट्री के बाद में अपन को अंदर ले जाएंगे। एंट्री होगी तो अपन से कुछ मांगेंगे क्या सर? क्या वहाँ पे एंट्री के लिए सर, एक तो देखो आईडी और आधार वो होना चाहिए अपने, एडमिट कार्ड प्लस आईडी, तो जो भी कुछ आईडी हो उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ वो कंप्लीट होनी चाहिए, ये मतलब अधूरी नहीं होनी चाहिए, महीना सन और डेट वो पूरी होनी चाहिए। हाँ सर। अगर अधूरी है तो वो क्या निकाल देते हैं बाहर, उनको पूरी चाहिए, तो जो भी कुछ आईडी उसको ले जाओ आराम से। अंदर एंट्री हो जाएगी आपकी, एंट्री के बाद में फिर बाहर बायोमेट्रिक वगैरह करवाएंगे आपकी, और मतलब जो भी उनकी फॉर्मेलिटी है वो पूरी करते हैं मतलब बाहर। उसके बाद में अपना 20-20 का बैच बना देंगे वहां से, मतलब जैसे एंट्री देंगे ना अपन, तो मतलब 20 लड़के एंट्री कर गए तो 20 लड़कों को उठा के अंदर ले जाएंगे। 20-20 लड़कों को अंदर ले जाना है सर? हाँ मतलब जैसे मैन गेट हुई तो 20-20 की लाइन बना के उनको, जैसे 20 लड़के हुए और उठा के वहां ले जाएंगे दूसरी जगह, तो वहाँ 20 लड़कों का बैच बना के जैसे बायोमेट्रिक वगैरह जो भी है उनकी वो करवाई कम्प्लीट। हाँ सर। उसके बाद में उनको मतलब वो इंटरव्यू, एक तरीके से इंटरव्यू हो रहा है उनका, मतलब काम वाम कुछ भी नहीं करवा रहे, तो 20 लड़कों को ऊपर मतलब ऊपर है सेकंड फ्लोर पे, तो सीढ़ियों पे लाइन लगा देंगे 20 लड़कों की। अच्छा। तो 10 लड़कों को अंदर दे देंगे, अंदर एंट्री करवा देंगे इंटरव्यू के लिए, और 10 लड़कों को रोक देंगे, तो वहाँ पे 4-5 अधिकारी हैं। ठीक है। तो सारा सामान है पूरा, मतलब उसका स्लीपर का जो भी कंप्लीट है वो, तो उसमें क्या है जैसे मतलब सारे फिनाइल वगैरह जो भी मतलब वो है एसिड वगैरह सब कुछ है वहाँ पे, झाड़ू वगैरह मतलब पूरा कंप्लीट सामान रखा हुआ है। हाँ। तो लड़कों को जैसे फिनाइल वगैरह है कुछ भी दे दिया हाथ में बोतल वगैरह, और उनको दे देंगे कि इसमें क्या है इसमें क्या है, तो मतलब कैसे पूछते हैं। हाँ। और जो खुली बोतल है अपनी, जो सादा बोतल है, उनमें क्या उन्होंने वो चेंज कर रखा है, मतलब अपन को देखने में तो वो लग रहा है कि जैसे अपन से पूछ लिया कि मतलब इसमें क्या है, तो अपन जैसे हमें भी थे एक वाइट बोतल थी, तो हमसे पूछा कि क्या भरा हुआ है इसके अंदर, तो हमने बोला सर फिनाइल है इसके अंदर। फिर मतलब 10 लड़कों को लाइन में खड़े करवा देंगे, फिर बताते जाएंगे लड़के तो बोलेंगे कि अगले को दो अगले को दो, तब से पूछेंगे बारी बारी से। तो उसमें पूछेंगे तो उसमें क्या वो ऐसे कन्फर्म नहीं कह सकते बाहर से, तो अपन को डर लगता है कि इसमें फिनाइल फिनाइल होगा, बाकी इसमें फिनाइल नहीं है, उसमें क्या डिटोल डाल रखा है, हाथ धोने के लिए ले नहीं आते डिटोल सर? मतलब एक बात पूरा क्लियर कीजिए, मतलब सामान क्या क्या रखा था वहां पे? सामान कंप्लीट है, और सर ये जो खुली बोतल है अपनी वो उन्होंने मतलब उसमें केमिकल वगैरह सब चेंज कर रखे हैं, किसी में डिटोल भर रखा है, किसी में सादा पानी है, किसी में कोल्ड ड्रिंक है, तो
वो हाथ में दे देंगे सबको, मतलब तो उसमें पूछेंगे कि इसमें क्या है, क्या भरा हुआ है, क्या है क्या है। फिर मान लक्की ने सटीक जवाब दे दिया सर इसमें ये है, तो पूछेंगे क्या काम आता है क्या नहीं आता, तो राइट आंसर दे देता है लड़का तो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी बाहर निकाल देते हैं। और अगर मतलब सर मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब किसी भी लड़के को अगर खुली बोतल दी जाए तो हाँ उसको देख के ही मतलब डिसीजन नहीं ले, क्योंकि आगे जाके दिमाग पता नहीं डिप्रेशन में आ जाता है, तो आदमी डिसीजन नहीं ले पाता वहां पे। हाँ हाँ ये भी सही है आपका कहना। तो मत थोड़ा तसल्ली से मतलब हिम्मत से जाए तरीके से फ्रेश होके बिल्कुल, और वो बोतल है उनको खोल के और मतलब चेक करके देखे, मतलब खुशबू वगैरह सूंघ के उसके बाद ही जवाब दे। बाकी वो कहते हैं जैसे अपन ने बोल दिया सर मैं इसको खोल के चेक कर सकता हूँ, तो वो कहते हैं बिल्कुल खोलो बिल्कुल चेक करो, तो अपन को उसकी खुशबू सूंघनी है तो उसमें खुशबू के हिसाब से जो मतलब बता सकते हैं इसमें क्या है। तो जैसे मेरा नंबर आया तो मैंने क्या सबने फिनाइल बताया, तो फिर उसने बोला कि लास्ट चांस है सबके पास देख लो, तो मैंने सर खोल के देख सकते हैं एक बार, तो कह रहा बिल्कुल देख सकते हो आप। तो फिर मैंने इसको मतलब उसको देखा तो सर मुझे डिटॉल की चीज वो आ रही थी उसमें, तो मैंने सर क्या उसमें पानी डाल रखा था, वो डिटॉल के साबुन तो होता ही है सर वो, तो क्या वो व्हाइट हो रहा था बिल्कुल, तो उसमें मतलब बाहर से भी बता नहीं सकते इसमें फिनाइल है डिटॉल है, तो उसमें फिर मतलब कंफ्यूज हो गए सारे लड़के। तो फिर छू के देखा तो फिर मैंने बोला सर इसमें डिटॉल है, तो कि तेरे को अभी याद आया क्या, पहले नहीं बता सकते कि आप इसमें डिटॉल है क्या। और फिर एक लड़का था फिर हमसे पूछा कि जैसे कोई गटर मान लो नॉर्मल तरीके से गंदा पड़ा हुआ है, तो अपने आपके पास एसिड है और ये फिन ये वो नहीं होता हार्पिक वो है, तो किसको यूज करोगे आप। तो सर वहां पे लड़कों ने जैसे मतलब ऐसे ही बोल दिया सर एसिड करेंगे सर एसिड करोगे, तो लड़कों ने बोला सर एसिड करेंगे, तो वहां पे लड़कों की आदत मतलब एक लड़के ने जो आंसर बोल दिया ना सारे उसी को दो रहे हैं। ये गलत आदत थी, मतलब ये तो कॉपी पेस्ट था। आज मतलब सबसे बड़ी मतलब नेगेटिव पॉइंट यही था, सारे लड़के मतलब किसी के मन में और बताने का था ना वो भी नहीं बता पाया, वो उसने भी बोल दिया सर ये मतलब यही है, मतलब अपना देखना जरूर है। हाँ मतलब खुद का अनुभव शेयर नहीं करे, मतलब दूसरों की बातों की नकल करके उसी को बता रहे हैं सर इसमें ये है। तो हाँ सर। उसमें क्या हुआ मतलब बोला कि आप कौन सा चीज यूज करोगे इसमें, तो लड़कों ने बोला सर ऐसे, सबने किया हाँ बताओ बताओ सबने बोल दिया ऐसे, कैसे यूज करो एसिड यूज कब करते हैं पता है आपको, कि सबसे पहले फिनाइल यूज करोगे आप यूज करते हैं, हाँ एसिड का यूज तब होता है जब छूटता नहीं है इससे हार्पिक से। हाँ अच्छा, मतलब एसिड तो क्या है, चीज को जलाने के लिए होता है, सीधा सीधा बात ये। जो जो मतलब दाग धब्बे नहीं छोड़ दिए जैसे उसमें टॉयलेट में मतलब वो हो रहे हैं, मतलब अपन ने हार्पिक से साफ किया और वो गंदगी नहीं साफ हुई इससे, तो हाँ सर। कि एसिड का यूज करोगे आप पहले कैसे करोगे। ये भी सही है सर, हर बात मतलब वो तो एकदम बारीकी से पूछ रहे थे हाँ बारीकी से पूछ रहे बिल्कुल, तो सर आपको। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मतलब किसी की नकल नहीं करे, अपने अनुभव मतलब सोच समझ के पूरा जवाब दें, कि उन्होंने मतलब कोई बोतल में सादा पानी भी है, किसी में मतलब जो डिटॉल की जो वो रखा हुआ है उसमें डिटॉल ने डाल रखा था, कुछ एसिड वगैरह था उस टाइम सर, हाँ तो मैंने जब खोला था ना उसको बोतल को व्हाइट वाली वो, तो उसमें डिटॉल की वो खुशबू आ रही थी, और फिर मैंने उसको उसको बोला डिटॉल की उसको, तो उसमें कोई और मतलब अलग सी महक आ रही थी, वो मैं पहचान नहीं पाया उसमें वो डिटॉल की शीशी थी उसमें क्या था पता नहीं था, मैं जवाब नहीं दे पाया, तो उसमें कुछ और ही था, तो मतलब जिसमें जो दिख रहा है ना वो नहीं है मतलब। अच्छा, मतलब घुमाने की कोशिश की जा रही है। हाँ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर लास्ट में बोला था कि तुम क्या सफाई करोगे, तुम्हें केमिकलों के बारे में मतलब पहचान नहीं है मान ले, तो क्या सफाई करोगे आप। डिप्रेस करके मतलब निकालना एक तरीके से, और क्या कह सकते हैं। हाँ मतलब कंफ्यूज कर रहे हैं वहां पे, मतलब मैं सर यही कहना था सबसे बढ़िया यूज
चीज ही है ये कि मतलब वहां जाओ तो एक एक चीज को खोल के चेक करो, तो मतलब आप पहचान जाओगे इसमें क्या चीज है, बाकी उसको देख के ही अगर आपने जवाब दे दिया तो फंस जाओगे। मतलब कुछ स्पेशल और कुछ आप कहना चाहो तो बताओ सर। हाँ, एक मैं तो बात और यही कहना बताइए सर, चाहूंगा सर, आपने जो मैं मेरी अधिकतर मतलब जो भी लड़के जा रहे हैं यही चीजें पूछी जा रही हैं, क्योंकि और जैसे झाड़ू वगैरह हैं ये और है नॉर्मल, उनको तो सारे लड़के बता रहे हैं, बाकी प्रैक्टिकली रूप से कोई काम नहीं करवा रहे कि चलो बाथरूम साफ करने हैं या और कुछ भी नहीं करवा रहे, बस ओनली वाय वाह ले रहे हैं वहां पे। तो बताना चाहिए ना, बाय बाय लेंगे तो बाय बाय के हिसाब से तैयारी करके आए, इसीलिए तो ये वीडियो लेकर के आता हूँ बच्चों को पता लग गया। पर अब वो तो देखो वो मतलब उसके सारे केमिकल रखे हुए हैं तो उनके बारे में पूछ रहे हैं उसके कि क्या चीज है इसमें, क्या है क्या नहीं है, तो कि तुम्हें मतलब केमिकलों के बारे में पता नहीं है तो आप कैसे मतलब सफाई करोगे, आपको मतलब पहचान ही नहीं होगी कि ये क्या है ये क्या है, क्या सफाई करोगे तुम। ऐसा उनका कहना है। हाँ ऐसा, तो उन्होंने मतलब एक्सचेंज भी कर रखे हैं बोतलों में, तो कोई भी भाई अगर जाए तो मतलब दूसरे की नकल नहीं करे, मतलब सोच समझ के उसको मतलब ढंग से देख के और उसके बाद में जवाब दे, ज्यादा केमिकल वगैरह नहीं है, बस केमिकल वो ये एसिड है फिनाइल है और डिटॉल वगैरह है, और एक वो क्या कपूर की गोली नहीं आती, क्या सर? कपूर की गोलियां, कपूर की गोलियां रखी हुई है, और ये सर कुछ नहीं बच्चों का आता सर वो। मेरे अनुभव के अनुसार सर कुछ बच्चों का कहना है कि मतलब कपूर की गोली की आप जैसा कि आप बोल रहे हो वो शायद मेरे हिसाब से रूम फ्रेशनर था सर वो। रूम फ्रेशनर नहीं, वो है साबुन की तरह, वो फिटकरी फिटकरी नहीं होती अपने, वो फिटकरी की तरह है वो तो नील वगैरह नहीं होते, जैसे अपन क्या बोलते हैं जैसे वो बाथरूम के लिए रखते हैं ना, जैसे जो ओडो नील नहीं होता क्या, हाँ। उसी की तरह है सेम है, मतलब तो लड़के जाके बोल रहे हैं, उसके बारे में पूछा था लड़कों से, हमसे तो नहीं पूछा, हालांकि हम हमारे बैच वाले लड़के थे वो उन्हीं में फंस गए, वो तो जो हाँ बोतलों के बारे में फिनाइल के बारे में पूछा और वो डिटॉल था उस बोतल में उसमें वो लग गए, तो उन्होंने जवाब नहीं और सवाल नहीं किया हमसे, तो हमसे पहले के बैच था उसने पूछा था कि ये क्या चीज है, तो लड़के बोल रहे थे कि फिटकरी फिटकरी है इसके अंदर साबुन की तरह है, मतलब हाँ बिल्कुल व्हाइट है, तो फिर वो बता रहे थे मतलब उनको मतलब ये समझ मतलब सर वो के कंटिन्यू बताओ। सर कंफ्यूजिंग कंटिन्यू चल रहा है वो तो यही वो हाँ इतना। बिल्कुल बिल्कुल मतलब गुमराह कर रहे हैं और मतलब कंफर्मेशन नहीं होने दे रहे किसी को भी। हाँ कंफर्मेशन नहीं होने दे रहे, मतलब ऐसे तो सब बता देंगे, जैसे फिनाइल की बोतल है तो उसमें रियलिटी में फिनाइल रखा है तो हर कोई बता देगा लड़का की इसमें ये चीज रखी हुई है, हाँ नॉर्मली घर पे तो देखते आज रहते कल हैं। तो हाँ बिल्कुल, और आजकल यूट्यूब वगैरह पे हर कोई देखता रहता है कि मतलब कौन सी, जब अपन टेस्ट देते देने जाते हैं तो कुछ ना कुछ नॉलेज तो लेके जाते हैं कि भाई कुछ भी पूछ सकते हैं एसिड वगैरह के हर केमिकल के बारे में, ये क्या किस काम आता है किस काम आता है, तो ऐसी चीजें मतलब नॉर्मली सभी लोग अभी तैयार मतलब करके देख जा के रहे जाते हैं। हैं, मतलब हाँ इतना सब कुछ तो नॉर्मल तो तैयार करके जा रहे हैं हाँ सर। बस मेन चीज होती है उनको पहचान करने की, मतलब बोतलें हैं प्लास्टिक की उनमें भर रखा है, फिनाइल की जगह मतलब फिनाइल की बोतल है तो उसमें क्या भर रखा है, किसी ने क्या भर रखा है, तो उनको खोल के चेक करके ही अपन बता सकते हैं, बाकी ऐसे नहीं बता सकते। हाँ हाँ ऐसा भी है। बिल्कुल, मतलब सेम ये हो रहा है, अगर जिस लड़के ने इनको पहचान लिया ज्यादा सवाल नहीं कर रहे, 2 या 3 सवाल करेंगे बस, हाँ ये भी क्योंकि आज आपका मतलब पर डे के 7 समथिंग 7-8 500 700 800 के कुछ ऐसे लड़के आ रहे हैं, मतलब हाँ 800 के समथिंग आ रहे हैं साथ, तो हाँ वो लड़के 20 20 का बैच है तो उसमें से डिवाइड करते हैं 10 10 का बनाते हैं ऊपर जाके, तो लड़के बहुत है तो इतनी सारी चीजें भी नहीं पूछ सकते, वो तो मतलब 2 3 चीजें पूछेंगे जिसने सटीक जवाब दे दिया उसको मतलब एक वो कर लेते हैं सेलेक्ट, बाकी वो करते हैं, और ये है जैसे रिजल्ट वहां पे नहीं सुना रहे अपने अपने से, जैसे वाइवा ले लिया उन्होंने अपना वाइवा, उसके बाद में लिया अपन को नीचे देखेंगे तो वो नीचे टेंट वगैरह लगा रहा है उसके नीचे बैठा देंगे अपन को, फिर ऊपर से रिजल्ट बन के आएगा तो जिसका सिलेक्शन होता है उसका नाम बोल देंगे, बाकी को फ्री करके देख देंगे। हाँ ये भी सही है। हाँ ये है सर, और कुछ भी नहीं।
करनी है उसके अंदर। घबराने की घबराना तो है नहीं, जैसे बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं जैसे नाम अगर अपना पूछते हैं तो मतलब इतना स्लो बोलते हैं कि उनकी कानों तक आवाज ही नहीं पहुंचती। जब फिर ट्यूशन करते हैं वो तो मतलब सटीक बता देते हैं लेकिन आवाज नहीं पहुंच पाती साफ, तो समझ नहीं पाते कि क्या बोल रहा है, चाहे उन्होंने हकीकत बोला सही बोला है आंसर लेकिन उनकी आवाज ही नहीं पहुंच रही तो क्या करेंगे वो। हाँ मतलब ये है कि आप तो ये बताइए, आप और कुछ कहना चाहते हो अपने भाइयों के लिए? क्योंकि ये तो मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब वहाँ पे जाओ तो और कुछ भी नहीं पूछ रहे, बस जब लोग भी कुछ पूछते तो उनको चेक करना है सबसे पहले, चेक करके ही मतलब उसका जवाब दे, बाकी बिना देखे हुए मतलब बिना चेक किए हुए जवाब मत देना बस। हाँ सर तो मारे जाओगे बस, यही है और कुछ नहीं है। सर आप जो है अपना एक फोटो सेंड कर दीजिए, क्योंकि सर इसको जल्द से जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ सर। ठीक है सर मैं करूँगा सर, जस्ट अभी कर देना क्योंकि सर 20 से 30 मिनट में ये अपलोड हो जाएगी सर। ओके सर, अपलोड आपके व्हाट्सएप नंबर है क्या सर? हाँ यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे अपना पिक सेंड कर दीजिए। हाँ सर ऐसे करूँगा, ठीक है मैं आपको भेज दूँगा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।